गाइस, वेलकम टू PSK व्लॉग्स। तो कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है प्रतिभा और आज मैं खाने वाली हूँ स्पाइसी एग करी के साथ। ढेर सारा राइस है यहाँ पे, बहुत सारा पापड़, ठीक है। साथ ही मैंने यहाँ पे रखा है पानी, कोल्ड ड्रिंक नहीं क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप व्लॉग शेयर करा करिए, व्लॉग चैनल है ये। तो मैं बता दूँ, बहुत जल्दी आप लोगों के साथ बहुत सारे व्लॉग्स शेयर होने वाले हैं, बहुत सारे फूड चैलेंजेस मैं करने वाली हूँ, ठीक है। तो सारी चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं, तो बहुत ही मज़ा आएगी आपको आगे चल के, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फिलहाल मैं आज जो है आप लोगों से स्टोरी भी सुनाने वाली हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों से बातें करना, आप लोगों से बहुत सारी बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे बहुत पसंद है। इस वजह से मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें करती हूँ। कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं भी अच्छा लगता होगा, मुझे ये बात तो होगी ही, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं भी अच्छा लगती हैं चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें शेयर होने वाली हैं और बहुत ही स्पेशल व्लॉग्स भी आने वाले हैं। तो अच्छा, किसको किसको अच्छा लगता है मेरी स्टोरीज़ वगैरह मैं जब सुनाती हूँ, ठीक है, आपको अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है, या किस तरह की स्टोरीज़ आपको अच्छी लगती हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। या नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट टाइम मैं किस टॉपिक पे बात करूँ ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ शेयर करके, ठीक है। तो फिलहाल खाते हैं फर्स्ट बाइट। तो गाइज़, आज जो स्टोरी मैं सुनाने वाली हूँ आप लोगों को वो है एक बेटी के ऊपर। बेटी, ऑफ कोर्स ये शब्द ही काफ़ी है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कितना कुछ सहना पड़ता है ना बेटियों को, कितना कुछ झेलना पड़ता है। शादी से पहले भी बहुत सारी लड़कियाँ झेलती हैं और शादी के बाद भी। तो ऐसी एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ मैं, एक बूढ़े माँ बाप जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत बूढ़े हो गए थे वो, बहुत तबीयत ख़राब रहती थी उनकी, उनकी देखभाल करने के लिए ना उनकी बेटी अपने घर आ गई, मायके आ गई, ठीक है। और मायके में वो करीब 6 महीने तक रही, अपने माँ बाप की सेवा करती रही, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए थे। एक दिन क्या हुआ, लड़की के पिता ने, अच्छा इस स्टोरी से कौन कौन रिलेट करता है मुझे कमेंट जरूर करना, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, लड़की के पिता ने बोला कि ऐसा है बेटी, अब तुम अपने घर जाओ, ठीक है, अपना घर द्वार संभालो, अपनी तुम्हारी अलग दुनिया है, आप अपनी घर गृहस्थी देखें, ठीक है, बस। फिर क्या था, लड़की सुन के बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने अपने पिता को बात को मानी, उसने माना कि ठीक है आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। ऑफ कोर्स लड़कियां तो हमेशा ही अपने माँ बाप की सुनती हैं, हमेशा उनके हिसाब से ही चलती हैं, कितना भी वो कुछ भी कहें लड़कियां सब सुनती ही हैं, ठीक है।
है ना। आप में से कौन कौन है जो अच्छा बुरा हर चीज़ मान लेता है, कई बार ना चाहते हुए भी कई बार माननी पड़ती हैं चीज़ें। तो लड़की ने अपने पिता की बात मानी, उसने बोला ठीक है पापा, आप जो ऐसा कहो, आपको जो अच्छा लगे, ठीक है। तो लड़की जो है अपना सामान बांधने लगी और सामान बांध के चली गई अपने मायके। उसकी माँ बहुत दुखी थी, वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी जाए, लेकिन क्योंकि उसकी अपनी दुनिया थी तो उसको जाना ही था। तो उसकी माँ जो है उसे छोड़ने गई स्टेशन तक। पिता नहीं जा सकते थे क्योंकि वो बहुत बूढ़े थे, वो सही से चल नहीं पा रहे थे। तो उसकी माँ जो है उसे स्टेशन तक ले गई। बेटी जाना नहीं चाहती थी पर फिर भी उसने कुछ नहीं बोला क्योंकि पिता की आज्ञा था कि बेटी अब अपने ससुराल जाए। तो बेटी जाने के लिए तैयार हो गई, ठीक है। जब वो अपने मायके गई, मायके पहुंची, तो वहां जाने के बाद लड़की ने अपने पति को सारी बात बताई। लड़के ने सुना सब कुछ। लड़का बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। लड़के ने सुनने के बाद लड़की को बोला कि आप जितने दिन चाहें अपने मायके में रह सकती हैं, अपने माँ बाप की सेवा कर सकती हैं, जब ये बात लड़की ने सुनी ना, तो उसकी आंखें भर आईं। एक अच्छा लाइफ पार्टनर होना बहुत जरूरी है लाइफ में, है ना। फिर क्या था, लड़के ने फोन किया लड़की के पिता को और बोला जब तक ये चाहेगी आपकी सेवा करेगी, आपकी ही बेटी है वो, सबसे पहले आपकी ही है, बाद में वो हमारी है। ये सुन के लड़की के पिताजी भी बहुत ज्यादा भावुक हुए और लड़कों से बोला कि जाओ अपनी बहन को ले आओ। और फिर क्या, वो अपनी माँ बाप की सेवा करने लगी। तो बहुत से लोगों को लगेगा कि यार ये क्या स्टोरी थी, पर इस कहानी से, ये छोटी सी नॉर्मल सी कहानी है, बट इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक अंडरस्टैंडिंग लाइफ पार्टनर, एक अच्छा पार्टनर लाइफ में होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार बहुत ज़्यादा मजबूरी में भी लड़कियां अपने माँ बाप को साथ नहीं दे पाती, बहुत जितना चाहती हैं उतना सपोर्ट नहीं कर पाती। और एक सच्चाई बताऊं, जितना बेटियां कर सकती हैं ना, बेटे भी बहुत करते हैं, बहुत करते हैं अपने माँ बाप के लिए, लेकिन बेटियों का अलग होता है। बेटियों का जो
कहते हैं ना, बेटियों बेटियां जो कर सकती हैं वो कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। बेटियां जो होती हैं ना वो माँ बाप की बहुत अच्छी दोस्त होती हैं। बहुत तीखा है।
तो गाइस बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना हुआ था एग करी, बहुत स्पाइसी था पर बहुत टेस्टी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और नेक्स्ट टाइम आप कौन सी स्टोरी सुनना चाहते हैं या किस टॉपिक में मैं बात करूँ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फूड चैलेंजेस वगैरह भी स्टार्ट होने वाले हैं, फूड चैलेंजेस मैं करने वाली हूँ, लाइक 24 आवर फूड चैलेंजेस और टाइमर के साथ फूड चैलेंजेस। आप में से बहुत से लोगों का ये रहता है कि आप टाइमर लगा के चैलेंज किया करो, तो मैं इस चैनल पे उस चीज़ को भी करने वाली हूँ, ठीक है। टाइमर के साथ फूड चैलेंजेस होने वाले हैं तो बहुत ही मज़ा आने वाली है। तो बहुत जल्दी सारी चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।